हेलो फ्रेंड, अंजना के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल तरीके से चिल्ली पनीर। चिल्ली पनीर के लिए हम क्या क्या डालने जा रहे हैं, देखिए। ये प्याज डालें, दो प्याज, दो शिमला मिर्च, गार्निश के लिए धनिया पत्ता। ये पनीर को छोटे छोटे पीसेज में हम काट लिए हैं 200 ग्राम। और ये टमाटो सॉस, ये दो टमाटर हम पीस करके रख लिए हैं, इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। और ये थोड़ी सी हम मक्खन लिए हैं, और ये मिर्ची है, 4-5 मिर्ची, और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये टमाटर और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लिए हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है और इसमें हम पनीर फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई कर रहे हैं, इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। और पनीर को हम लाइट ब्राउन कर लिए हैं और इसे हम निकाल देंगे। फ्लेम को स्लो कर दें और इसे हम पनीर को निकाल देंगे। और ये मैं पनीर को फ्राई कर लिया, और मैं प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये हल्का लाइट ब्राउन, इसको भी प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम पूरा पकाएंगे नहीं, हल्का फ्राई करके निकाल। और इसमें शिमला मिर्च भी हम डाल रहे हैं, साथ में ही दोनों फ्राई कर लेंगे। और ये हल्का फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। फ्राई करके निकाले, उसमें तेल जो बच गया उसी में हम मसाला को फ्राई करेंगे। इसमें आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गया, और मसाला में से तेल छोड़ने लगा,
और इसमें हम गरम मसाला एक छोटी चम्मच डालेंगे। और अब हम टमाटो सॉस डाल रहे हैं। और इसमें फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। इसमें अब हम फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे। हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और हम इसमें हल्का बटर डाल देते हैं। और गार्निश के लिए हम धनिया पत्ता डाल देंगे। ये मेरा चिल्ली पनीर बनकर रेडी हो गया है। और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।